आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? क्या बनना है, क्या करना है? मुझे तो डॉक्टर बनना है। मैंने अभी तो कुछ सोचा नहीं। क्या सोचना है, ये सब फालतू की चीज है। अरे ये क्या बोल रही है ईशिका, कुछ अच्छा सोच अपने फ्यूचर के बारे में। और तूने क्या सोचा है? मुझे तो एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये मेरा ड्रीम है। अरे वाह, तो पुलिस बनेगी, फिर मैं चोर बन जाऊंगी। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, खाब टूटे वादे। अच्छा सुनना, हम दोनों को कुछ काम है तो हम चलते हैं यार। क्या दोनों को साथ में? कौन सा काम? अरे वो किसी से मिलना है, कुछ काम से रिलेटेड। चल भैया। छूटे ना ओ अल्लाह बारिया, मैं तो तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? इतना क्या जरूरी काम हो सकता है, वो भी दोनों को एक साथ। छोड़ो ना तुम उन दोनों को, और बताओ। अच्छा ठीक है, अभी मैं भी चलता हूँ वरना लेट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल जाती हूँ, वैसे भी मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। चलो फिर। ये देखिए शिका, मुझे मिल गया, बहुत मुश्किल से मिला। वाव, तुझे फाइनली ये ड्रग मिल गया, चलो। ये दोनों ड्रग्स लेते हैं, मुझे ये बात आस्था को बताना होगा। हेलो आस्था। हाय सौगत। सौगत तुम्हें पता है रिया और इशिका कहाँ है? वो लोग आज दिखे ही नहीं है मुझे सुबह से। अरे मुझे कुछ बताना है तुम्हें उन लोगों के बारे में। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो मैंने कल इशिका और रिया के हाथ में ड्रग्स देखा था। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? पक्का कुछ और था, तुमने ध्यान से तो देखा था ना? हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और मैंने उन लोगों को बात करते हुए भी सुना था। नहीं नहीं मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है, चलो उनके पास। साथ छूटे ना ओ अल्लाह बारिया, मैं तो हारिया टूटी लेते हो। ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देगा और कुछ नहीं। ये जो भी तुम लोग कर रहे हो बिल्कुल गलत है। तुम लोग हमें मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। वही तो, हमें मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत, समझे? और निकलो अभी यहाँ से। नहीं ये सब गलत है, तुम लोग ये जो कर रहे हो ना इससे तुम्हारा पूरा लाइफ को इफेक्ट हो सकता है। प्लीज मान जाओ मेरी बात, तुम लोग ये गलत कर रहे हो। हम लोग कितने सालों से फ्रेंड्स हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, ये गलत है। मैं जा रही हूँ अभी तो, लेकिन देख लेना तुम लोग मेरे पास खुद आओगे। चलो सौगत। अपने रूठे पर कुछ नहीं होगा, छोड़ना, बाद में मना लूंगी मैं। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, कैसे खरीदेंगे इस बार? मेरे पास भी नहीं है, घर से भी नहीं देंगे, क्या करें? इस बार नहीं खरीदेंगे ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। सुनना मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना चोरी करें। पर कहाँ से? अरे वो आस्था है ना, उसके पास हमेशा पैसा रहता है, उसको कहीं पे बिजी रख के उसके बैग में से चोरी कर लेंगे। वो तो कितने अमीर है, बहुत पैसा होगा, अच्छा आइडिया है। ठीक है अभी चल। हेलो आस्था, प्लीज माफ कर दे हमें उस दिन के लिए, हम लोग सुधर चुके हैं, हम ऐसा अब कभी नहीं करेंगे। हाँ आस्था माफ कर दे, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। ड्रग्स लेना कोई मामूली बात नहीं है, अब से किया ना तो मुझे भूल जाना। अच्छा बाबा ठीक है, वो हमारा फर्स्ट और लास्ट टाइम था, अब से हम कभी नहीं करेंगे ऐसा।
वैसे तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं बस सौगत का वेट कर रही हूँ। अरे अभी भी गुस्सा है? बोला ना हम नहीं करेंगे ऐसा। आस्था चल ना रील्स बनाते हैं। चल रिया तू भी चल रहा हमारे साथ। नहीं नहीं मुझे कहाँ आता है रील्स बनाना, तू लग जाना। ठीक है फिर यहीं पे बैठे रहना। बैठो ना, वो मैं और ईशिका ना रील्स बना रहे थे, आओ। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। सुन ना मुझे जाना है, मुझे मम्मी ने बुलाया। पर अभी तो तू आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मी ने बुलाया तो कोई जरूरी काम होगा। ठीक है जा। नहीं रुको, मैंने तुम लोग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों क्या हुआ सौगत, ये तुम क्या बोल रहे हो? आस्था, रिया ने तुम्हारे बैग से पैसा चोरी किया था, मैंने खुद देखा जब तुम लोग रील्स बना रहे थे। क्या रिया ये क्या बोल रहा है, तूने मेरे बैग से पैसे चुराए? पर क्यों? क्यों क्या, इन लोगों को ड्रग्स खरीदना होगा इसीलिए पैसा चोरी किया। वो हमें पैसों की जरूरत थी ड्रग्स खरीदने के लिए, कुछ समझ नहीं आया इसीलिए चोरी करने का सोचा। क्या पर तुम लोग तो सुधर गए थे ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा दिया और ऋषिका, तुम लोग इतना हद तक नीचे गिर सकते हो? अगर तुम लोग मुझे मांग लेते ना तो मैं पैसा दे देती, लेकिन ड्रग्स लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं। लाओ मेरे पैसे। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना क्योंकि तुम लोग अब बिगड़ चुके हो, कभी नहीं सुधरने वाले। चलो सौगत। अब हम क्या करें, मैं तो कांप रही हूँ। टेंशन क्यों ले रही है? अब टूटे वादे टूटे, दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ज्यादा ले लिया क्या? अब उठ भी जा। इशिका 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 क्या हुआ तुझे? इसकी तो सांसें नहीं चल रही। आस्था देख ना ईशिका को क्या हो गया, तू चल ना मेरे साथ, उसका सांस भी नहीं चल रहा है। ईशिका वापस तो आ जा। ये सब इसकी वजह से हुई है और कुछ नहीं, मैंने तुझे मना किया था ना कि गलत रास्ते पे मत जा। तुम लोग को आस्था ने कितना समझा था ये सब मत करो, और अभी देखो क्या हो गया इसकी वजह से। मैंने तुझे एक चांस दिया था ना रिया, पर तू नहीं मान। देख गलत आदत की वजह से अब ईशिका इस दुनिया में नहीं रही, ये सब तुम दोनों की वजह से ही है। I'm sorry आस्था, मुझे माफ कर दे, मुझे अभी समझ आ गया ये सब गलत चीज है, इसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर तू पहले मान जाती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन क्या फायदा, अब तो हमारी दोस्त छोड़ के चली गई ना हमें। लेकिन अगर ये सब से तूने अपना लाइफ चेंज कर लिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये गलत है। एक दोस्त हमेशा अपने दोस्त की अच्छाई के लिए बोलता है, तो आई होप तो सुधर जाए, इससे तो कुछ लेसन मिल ही गया होगा तुझे। गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे समझाइए,
सही राह दिखाइए और हमें लाइक शेयर और कमेंट करके आगे बढ़ाइए।